ग्राम अस्तरिया स्थित ओंकारेश्वर परियोजना नहर के गेट से फिर एक बार पहुंचा किसानों के खेतों में पानी। एनवीडीए विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों की लापरवाही से नहर के गेट के ऊपर से खेतों में पहुंचा नहर का पानी। आपको बता दें कि खरगोन जिले के बड़वा के समीपस्थ ग्राम अस्तरिया स्थित ओंकारेश्वर परियोजना नहर का पानी फिर एक बार किसानों के खेतों में चला गया, जिससे खेतों में लगी खड़ी फसल बर्बाद हुई, वहीं बिजाई का भी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों पहले ओंकारेश्वर परियोजना की फेज टू की नहर में अधिक पानी छोड़ा गया था। इस दौरान ग्राम अस्तरिया स्थित नहर में गेट नहीं लगे होने के कारण नहर से लाखों लीटर पानी किसानों के खेत में पहुंच गया था, जिसके बाद ग्रामीणों की शिकायत पर एनवीडीए विभाग द्वारा उस नहर के गेट को हाइट अनुसार बंद नहीं करते हुए उस गेट को कम हाइट पर एक लकड़ी की प्लाई और लोहे की प्लेट से बंद किया गया था। ठेकेदारों और विभाग की इस लापरवाही के कारण सोमवार अल सुबह बढ़ते पानी के प्रहार गेट में लगी प्लाई के ऊपर से निकलकर किसानों के खेतों में पहुंच गया, जिसकी सूचना एनवीडीए विभाग को देने के बाद ठेकेदार द्वारा लकड़ी की प्लाई हटाकर गेट की हाइट अनुसार पुनः लोहे की प्लेट लगाई। एसडीओ एके अहिरवार ने बताया कि पंप से अधिक पानी छोड़ने से गेट के ऊपर से पानी निकलकर खेतों में पहुंच गया था। अभी गेट की हाइट अनुसार लोहे की प्लेट लगाकर समस्या का समाधान किया गया है, जिससे अब आगे किसानों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। करी थी, उसके बाद आज ये फिर किसानों के खेत में पानी भरा गया, क्या कारण है? ये अचानक वहाँ से पानी पंपिंग से वहाँ से ज्यादा छोड़ दिया है, डिस्चार्ज ज्यादा भरा गया, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा। सर, इसमें पूर्व में अपन ने क्या रिपेयर करा था जो आज ये फिर पानी हो गया? बंद हो गया था, डिस्चार्ज ज्यादा हो गया तो उसके ऊपर से निकल गया पानी। तो किस चीज से बंद करा था सर पहले अपन ने इसको? ये स्टील गेट ही बंद था और ये प्लाई रखी हुई है सर, यहाँ पे प्लाई से भी बता, ग्रुप में फंसे हुए प्लाई और स्टील दोनों था। अच्छा, ये आज क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप सर? ये स्टील गेट और ऊपर करके बड़े लगा रहे हैं। अच्छा, अब आगे ऐसी समस्या नहीं होगी? नहीं होगी। ओके, क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम है। ये आज आपके इधर खेतों में पानी घुस गया, क्या कारण रहा? वो सर क्या है कि 15 दिन पहले जो लीकेजिंग हुई थी यहाँ पे, वो प्लाई का टुकड़ा लगा के आज तक भी वो वापस नहीं आया, और अचानक पानी बढ़ने से वो प्लाई का टुकड़ा हटने से पूरा पानी हुआ, जैसे वो आज भी नुकसान हुआ है खेतों में? आज उसी प्रकार पहले बार हुआ था, उतना उतना आज भी हुआ है। ये पिछली बार आप लोगों ने मुआवजे की मांग की थी, उसमें क्या हुआ? अभी तक सर 1 रुपया भी हमारे खेतों में पानी भरा है सर, आज भी जो पहली बार। बड़वा से भूपेंद्र सेन की रिपोर्ट।